हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ राहुल से। राहुल जो है वो कंपनी के जो है ओनर है, और अभी इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो क्या चल रही है, तो आप इनके मुंह से खुद ही सुन लो। तो राहुल, आप जो भी फेस कर रहे हो आज की डेट में, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप अपने मुँह से खुद बता दो। हिचकिचाने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे पास आए तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है हमारे पास देखने को, तो बहुत सारे लोग देखेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपकी गलती है तो आप बता सकते हो, जैसे आप मेरे को रात को सब चीज़ें बताते, तो पब्लिक को बता दो सामने क्या चीज़ फेस कर रहे हो। एक लड़की है काव्या, काव्या नाम की, वो मतलब मेरे पास इंटरव्यू देने आई मेरे पास, है ना। और उसने मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, रिज्यूम वगैरह में कुछ नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं था उसके पास, और बिना अनपढ़ और बहुत ज़्यादा मतलब कि रो रही कि गरीब, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, ये हूँ वो। अच्छा, कैबिन में इंटरव्यू? हाँ, कैबिन में। मैं कह रहा हूँ पर आपके पास तो कुछ है भी नहीं, पर वो नहीं, मैं गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा उन पर वो आ गया तरस सा एकदम, वो बहुत रोने लग गई है वो। फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको रख लेता हूँ। उसके बाद रखने के बाद उन्होंने इतनी अजीब सी हरकतें करी, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ ये बताते हुए। मैंने अब पब्लिक को, मैंने कहा मैं अब यहाँ पर आया हूँ, मैं पब्लिक में इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इनकी, उनके ऐसे हरकतों से, उन्होंने क्या किया मेरे साथ। वो 15 दिन से ना मतलब बहुत ज़्यादा ना मतलब मुझे वो कर, मतलब कि मेरे पास मुझे अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। 15 दिन से, 10-15 दिन हो गए मैं दूर जाया जा रहा, दूर जाया जा रहा, पर क्या करूँ, दूर जाया जा रहा बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद उनका फ़ोन आया, मैं सोचा उनको चलो निकाल दूँ ये कर दूँ, पर उन्होंने फिर वही रोना, रोने का ड्रामा उनका स्टार्ट हो जाता है हर बार। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं दोबारा। फिर उनके बाद बर्थडे पार्टी थी, तो उन्होंने बुलाया कि आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा चलो चले जाता हूँ, बर्थडे पार्टी है। अकेले बुला रही थी आपको? हाँ अकेले, दो कह रहे 2-3 लोग है वहाँ पे, उन्होंने बोला 2-3 लोग है, पर मैं आपके यहाँ पे कोई था ही नहीं। जब मैं पे गया, कहाँ बुलाया था आपको, पब्लिक प्लेस पे या फिर? नहीं, उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया था, घर पे। हाँ, घर पे बुलाया था। फिर मैं उनके घर पे गया, ठीक है। घर पे जाने के बाद उन्होंने वो फिर कैसे बताऊँ, उन्होंने मुझे ड्रिंक वगैरह पिला दी, मैं पी नहीं रहा था, उन्होंने जबरदस्ती पी लो थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी करके पिला दी। उसके बाद फिर मैं भैग सा गया, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं भैग गया और कुछ हो गया, आपको बता सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मेरी वाइफ है प्रिया, हाँ मैं मैरिड हूँ यार, आपको पता है आप मैरिड हो। और उसके बाद मतलब आपको पहली बात तो अगर घर पे कोई था नहीं तो आपको पीनी नहीं चाहिए थी, और दूसरी चीज़ की अगर आप अपनी बीवी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते होते तो आप ये स्टेप लेते ही ना यार। जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे हो आप। मैं हूँ, मुझसे हो गई गलती, मेरी वाइफ को मैंने बताई ये सारी बातें, उसको ही पता है ये वो, पर वो भी नाराज़ है मुझसे, पर वो कह रहे मैं तुम्हारा दूंगी साथ। अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, क्या करूँ उसको, उसकी उसने मतलब कि ड्रिंक वगैरह पिला दी, मैंने बहुत मना किया, ज़बरदस्ती वगैरह पिला दी, और फिर वो ये बस मैं कुछ कर नहीं पाया, जो आपको पता है ड्रिंक वगैरह पीने का फिर क्या होता है, फिर हो गया वो चीज़ बस। तो अभी वो आपको क्या मतलब ब्लैकमेल कर रही है क्या? हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे उसने फोटोज वगैरह खींच ली थी कुछ। हाँ, मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं आज ध्यान से, और उसने फोटोज खींचने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है बहुत ज़्यादा कि आप इतने पैसे दो। एक बार मैंने उसको दे भी दिए, फिर से मुझे और ज़्यादा ब्लैकमेल करे जा रही है कि वो दो फोटो, वो पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, उसका भी इतना मांगती है, कभी कितने मांगती है, और या मैं तो फोटोज दिखा दूंगी बहुत ज़्यादा ये वो, कि मैं तुम्हारा मतलब घर तोड़वा दूंगी, बीवी को बता दूंगी, फोटोज दिखा दूंगी। यहाँ तक अपनी बीवी को भी बता दिया, पर मुझे जब भी डर लगता है ऐसी ऐसी फोटोज देख के, कभी वो छोड़ के ना चले जाए मुझे, पब्लिकली भी आगे मतलब डिस्क्लोज ना कर दे फोटोज वगैरह। हाँ बिल्कुल। देखो मैं पहली चीज पे बोलना चाहूंगी, संदीप सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे आपकी है, ठीक है। और बाकी मुझे ये भी पता है आपको रियलाइज है, तभी आप शायद यहाँ पे 25 लाख लोगों के आगे बोल रहे हो, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करता है इंसान ना बताने में, और इनमें मतलब इन्होंने हिम्मत करके, जैसे हिम्मत जुटा के पब्लिक के आगे बोल रहे हैं सारी चीजें कि हाँ इन्होंने गलती की है, इनको रियलाइज है। देखो पछतावा बहुत बड़ी चीज है, अगर गलती हो गई तो पछतावा है, इसलिए ही मैंने ये चीजें सारी चीजें गौर की कल रात को, इन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई। मैंने कहा यार अगर इंसान खुद अपने मुंह से पब्लिकली अनाउंस करने को तैयार है कि उन्होंने गलती किया, तो फिर यार
इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, रियलाइज है बंदे को, तभी तो उसने वो मतलब आने को तैयार हो गया। इसलिए मैंने सोच लिया था इनका साथ देना है मेरे को, ठीक है। तो अभी एक अभी वो आपको ब्लैकमेल कर रही है फोटोज वगैरह के लिए, तो एक काम करो अभी आप उसको बोलो कितने पैसे अभी तक दे चुके हो आप उसे। अभी तक मैं उसको दे चुका हूँ 2 लाख रुपए। 2 लाख दे चुके हो, और कितने की डिमांड और कर रही है? फिर से कह रही है 6 लाख रुपए। 6 लाख और मांग रही है? 6 लाख बहुत ही बड़ा अमाउंट है गाइस, आपको पता ही है। तो एक काम करो, काव्या नाम है उसका, काव्या को फोन लगाओ, उसको बोलो जो तू 6 लाख रुपए मांग रही है ना, वो मैं 6 लाख रुपए तेरे को देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तू मेरी फोटोज डिलीट कर दे, ताकि वो कल को, अपने वाइफ को तो बता दिया, वाइफ की तरफ से आप सेफ हो, वाइफ को पता लग चुका है, ठीक है। तो लेकिन पब्लिकली कहीं पे अपलोड ना कर दे, कुछ ना कर दे, तो लड़के की भी इज्जत होती है यार। तो आप एक काम करो, काव्या को फोन करो, उससे बोलो कि आपने जो फोन मिलाओ, जो भी आपने फोटोज वगैरह मेरी क्लिक कर रखी है उसको डिलीट कर दो, और मैं आपको 6 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लोकेशन बोल के बुला लो कि करंट लोकेशन शेयर करो। हाँ, यहीं पे बुलाने हैं आपको, क्योंकि कैमरा हमने सेट कर दिया, स्पीकर पे रख दो। हेलो, हाँ बोलो। काव्या? हाँ बोलो। मैं बोल रहा था, मैं तो तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर वो फोटो डिलीट कर देना तुम। कहाँ पे आना है बताओ? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। पैसे कुछ लाए हो? हाँ पैसे मैं लाया हूँ, एक बार तुम आ जाओ। 6 लाख रुपये तुम्हारे, ठीक है, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। लड़की ने अगर इतना कुछ पैसों के लिए किया, तो पैसों के लिए लोकेशन पे आना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, पैसा तो खींचते खींचते आ जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस वेट करते हैं, पहले मैं क्या करना है, संदीप आप लोकेशन भेजो उसको, लड़की को उसको बुलाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसके जो कर्म कांड है ना सारे हम लोग कैप्चर करेंगे, सारा कैमरा हमने सेट कर दिया, टीम मेरी पीछे है कैमरे के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले ये है नहीं, ठीक है, ना ही हम लोग अकेले। आपने लोकेशन सेंड कर दी, तो देखो यहाँ पे आप माइक लगाओ इस साइड में, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको माइक लगा लेके जा रही हूँ, जैसे ही वो आएगी ये मत सोचना आप अकेले हो, वो सारी चीज़ें कैप्चर हो रही है, और ये माइक का ध्यान रखना, ताकि उसकी सारी वॉइस हमने कैप्चर करनी है, वॉइस इसलिए ताकि इन फ्यूचर आपको कल को किसी भी केस वेस या फालतू कोई भी चीज़ होती है तो आपके पास प्रूफ हो, ठीक है। तो आप वेट करो और मैं वहाँ पीछे हूँ, ठीक है, उस साइड, अकेले मत समझना खुद को, अगर मैंने आपको बोला साथ दूंगी तो 110% दूंगी आपका साथ, ठीक है, तो आप यहीं पर रहो, वेट करो एक बार, ठीक है। नहीं पैसे यार, पैसे मैंने यार मेरे इतने पैसे नहीं है, तुम्हें पता है कंपनी, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास यार कंपनी लो, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कंपनी कितने लॉस में चल रही है, पैसे लाया कि नहीं लाया, तू तो बुलाया किस लिए, इतने पैसे नहीं है यार मेरे पास, तुम यार फोटो डिलीट कर दो यार, तेरे पास पैसे, मैं तो नहीं करूंगी फोटो डिलीट यार, अभी तुम्हें 2 लाख रुपए तो मैं दे चुका हूँ यार, लेकर आया तुम्हें 2 लाख रुपए तो दे चुका हूँ, 2 लाख से क्या होगा, इतनी सस्ती है तेरी फोटोज हैं, 2 लाख में तो काम छुटा लेगा यार, 6 लाख बोले थे ना मैंने, क्यों नहीं लेके आया, तो यार तुम एक तो मैंने तुम्हें गरीब समझ के तुम्हें रखा यार, तुम्हें अरे बकवास मत कर, तेरे को पैसे मंगाए थे, तू ये सब बोल मेरे से, ये बता पैसे लाया है कि नहीं लाया, इतने पैसे नहीं है ना, तुम्हें पता कंपनी कितने लॉस में चल रही है यार, बैठ यहां पे, बैठ जा, नहीं है ना यार, तेरे पास पैसे नहीं है, इतना बड़ा कंपनी का तू ऑनर बना फिरता, तेरे पास पैसे नहीं 6 लाख रुपए, तुम्हें पता था कंपनी कितने लॉस में, कुछ भी तू पैसे दे रहा है, तुम्हें 2 लाख रुपए दिए अभी, फिर तुम्हें ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बता 6 लाख रुपए क्यों नहीं लेकर आया यार, फोटो सेंड कर दो, तुम्हें 2 लाख रुपए दे, मैं करूंगी नहीं यार, ऐसा मत करो यार, कि तू ऐसा नंगा हो जाएगा ना यार, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी यार, वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरे करीब आने से पहले सोचा था तूने ये बात अपनी बीवी के बारे में, तुमने तो मुझे डिंग करवाई थी, मैंने जान बूझ के थोड़ी करी है, मेरे को नहीं पता, मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी है, देख अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो मैं एक झटके में ना तेरी जो तू बना फिरता है ना मुझे कुछ नहीं लेना देना उससे, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, तू मुझे पैसे दे मैं तेरी ये फोटो डिलीट कर दूंगी यार, पैसे दे यार, मैंने क्या गलती करी यार तुमसे, तुम्हें गलती कर दी यानी तुम्हें रख के ऑफिस में, देख बकवास मत कर, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरी यहाँ पे बकचोदी सुनने का, मुझे पैसे चाहिए बस यार, मेरे पास पैसे इतने नहीं है, तुम्हें पता है कंपनी कितने उसमें चल रही है, तेरे पास पैसे नहीं है,
तुम्हें पता नहीं है कि कंपनी लॉस में चल रही है। चल 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 छोड़ बकवास मत कर, पैसे निकाल चल। लायक नहीं है मेरे पास यार, देख लो। देख बकवास मत कर, पैसे चाहिए मुझसे तेरे से 6 लाख रुपए। नहीं पूरे पैसे हैं नहीं मेरे पास। कितने पैसे और चाहिए? तू कौन है? मेरे पैसे और चाहिए? तू कौन है? मुझे कितने पैसे और चाहिए? 6 लाख रुपए। हां 6 लाख चाहिए मुझे इससे। 6 रुपए की तो तेरी औकात नहीं है। तू कौन है? पैसे की तो तेरी औकात। तू कौन है? तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? 2 कौड़ी की तू लड़की। जा यार, तू 6 लाख चाहिए? कभी देखे जिंदगी में? 6 लाख तेरी है ना औकात? तेरी है औकात? मेरी औकात? चाह भी निकल यार, निकल। तेरी औकात? सुन निकल।